आज इस वीडियो में मैं आज फिजियोथेरेपी का एक सेकेंड साइड आपको बताने वाली हूँ। मेरे काफ़ी वीडियोस जो थे वो एक्सरसाइज को रिलेटेड थे, तो आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ होते हैं, जैसे कि SWD, IFT, TENS। तो आज इस वीडियो में मैं एक इंस्ट्रूमेंट कवर करूँगी जिसका नाम है SWD। मैं उसके बारे में बताऊँगी वो मशीन कैसे काम करती है, उसके क्या क्या यूजेज़ है, बेनिफिट्स हैं, और वो किस में नहीं लेनी चाहिए, यानी उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने स्टार्ट करते हैं SWD से। जो आपने बड़ी सी एक मशीन जो गरम सेक लेने के लिए बनी होती है, आम भाषा में हम यही कहते हैं कि गरम सेक लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट होता है किसी भी क्लिनिक में, तो वो गरम सेक वाली मशीन का नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी, यानी SWD। अब सवाल ये उठता है कि गरम सेक जो हम घर पे लेते हैं और जो हम क्लिनिक में लेते हैं SWD से, उसमें क्या फ़र्क आता है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अक्सर यही बोलते हैं कि ये गरम सेक तो हम घर पे भी लेते हैं, तो यहाँ लेने का क्या मतलब है। तो देखिए, SWD जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उस मशीन में बनती हैं, और वो जब हमारे शरीर में जब वो वेव्स जो है, वो किरणें जो है पास होती है, तो वो थर्मल एनर्जी यानी तब वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जो सेक आप घर पे लेते हैं उसमें सिर्फ आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे आप पानी को उबाल के एक थैली में लेते हैं, जो रबर की जो बैग्स अवेलेबल होते हैं, तो आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उसका फिर आप सेक ले रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल बैग्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उसमें भी यही जो है फंडा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो जो कंडक्टर वाली जो बेल्ट है उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर आप ले रहे हैं। पर SWD में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, यानी वो किरणें जो हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वो किरणें होती हैं जो थर्मल एनर्जी में यानी गर्माहट में कन्वर्ट हुई हुई होती है। तो देखिए, ये जो वेवलेंथ है उसकी वो 11 मीटर है, और जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 27.12 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। अब बात करते हैं कि जो हम गरम से घर पे लेते हैं उसका जो जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, यानी वो जो सेक है वो सिर्फ आपकी स्किन लेयर तक ही रहता है, जबकि SWD अगर आप लेते हैं तो वो जो है डीप हीटिंग करता है। तो डीप हीटिंग का मतलब होता है कि आपका जो टिश्यू लेयर है वो इतना है, तो जब आप गरम सेक जो घर पे लेते हैं वो सिर्फ इतना ही, यानी 2 सेंटीमीटर तक ही आपकी स्किन में जाता है, और जो आप SWD लेते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर्स तक, यानी 3 गुना ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन उसका होता है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यानी जितना गहरा वो आपकी स्किन में या आपके टिश्यूज़ में जाएगा जिस पे प्रॉब्लम है, उतनी ही जल्दी वहाँ हीलिंग होगी और वहाँ पर आपको रिकवरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि हमें हीटिंग की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए, जब डीप हीटिंग होती है SWD से, तो वहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो खुल जाती है, जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड की विस्कोसिटी यानी उसकी जो थिकनेस होती है ब्लड की, जो वो जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत डेप्थ में आपको हीट मिलती है। तो एज अ रिज़ल्ट जो विस्कोसिटी है, ब्लड गाढ़ापन है खून का, वो कम हो जाता है, यानी खून जो है वो पतला हो जाता है, एंड एज अ रिज़ल्ट
जो है ब्लड फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो ऑक्सीजन है उस जगह उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, और जहाँ ऑक्सीजन बढ़ जाता है वो एरिए में ऑब्वियसली हीलिंग यानी उस जगह का ठीक होने में बहुत जल्दी आपको मदद मिलती है। दूसरा जो इफ़ेक्ट आता है वो ये होता है कि जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो जो भी गंदगी अंदर उसमें भर होती है जो जॉइंट्स के आसपास, जिसे हम एक्सक्रूडेट्स बोलते हैं, इन्फ्लामेशन सूजन होने की वजह से, या वाइट सेल्स जो होते हैं वो अगर कुछ कलेक्ट हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो वो भी वहाँ से वॉश आउट हो जाती है, वहाँ फ्रेश ब्लड आता है, और फ्रेश ब्लड आने की वजह से वहाँ पर अच्छे से हीलिंग होती है। थर्ड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप ये डीप हीट लेते हैं तो जो बहुत डीप लेयर की जो मसल्स होती हैं वहाँ भी उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी मसल्स का खिंचाव होना भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं जिसमें कि आप स्ट्रेचिंग करेंगे, आप एक्टिव मूवमेंट्स करेंगे, तो आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर का ही केस ले लेते हैं, तो अगर आप SWD लेंगे तो जो कैप्सूल है जो टाइट हो गया, जो डीपली सिचुएटेड है हमारे जॉइंट में, वो जो है वो ढीला पड़ेगा, उसमें इलास्टिसिटी बढ़ेगी। ओके, अब हम उस शोल्डर की स्ट्रेचिंग करते हैं। जब हम उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो हम पेशेंट को काफ़ी आसानी होगी और उसकी रेंज को इंक्रीज होने में। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे कि ये जो SWD है वो कौन सी कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनली यूज़ होता है, फिर ये एल्बो पेन यानी टेनिस एल्बो में यूज़ होता है, फ्रोजन शोल्डर है कंडीशन उसमें यूज़ होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम में यूज़ होता है, और एंकल जॉइंट में भी हम इसे देते हैं। हमें वो कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट तो ध्यान रखेंगे ही, आपको भी एज अ ड्यूटी अगर आपको ये नॉलेज है तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, SWD हम कोई मेटल इम्प्लांट अगर होता है तब नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, स्क्रू लगे है, प्लेटिंग लगी है, तो हम ये बिल्कुल नहीं देते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और अंदर मेटल है तो बर्न होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों को कैंसर है उसमें भी नहीं देते, क्योंकि अंदर वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देती है हीट जो है डीपली जाके, तो जो कैंसर अगर है किसी पेशेंट को तो वो फैलने के चांसेस पूरे रहते हैं। फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई महिला जो है उस वो अपने पीरियड्स के दिनों में है, मेंस्ट्रुएशन में है, तब भी हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि डीप हीटिंग होने की वजह से अगर कमर में दर्द है उन्हें और अगर हम डीप हीट देंगे तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट जो वो है इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन है उसमें नहीं दिया जाता है ये चीज़। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वास्कुलर डिजीज़ है किसी को या पेस मेकर लगा होता है तो हमें उस साइड नहीं देना होता है। और जो हम जो ध्यान रखते हैं वो होते डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, क्योंकि डायबिटीज़ वालों में थोड़ी सेंसेशंस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो उनको वो हीट कम लगती है, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि बढ़ाइए जो है हमें हीट और चाहिए। तो जनरली क्या होता है, वो हीट बढ़ाने की वजह से उनको सेंसेशन तो होता नहीं, तो वहाँ पर उनको बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो उन्हें जो है वो चेक करते रहना चाहिए बार बार कि कोई प्रॉब्लम या कोई रेडनेस तो नहीं हुई है उनको। अब बात करते हैं कि देखिए, इसमें सबसे हमें फ़ायदा ये रहता है कि इसमें हम कंट्रोल्ड हीटिंग कर सकते हैं, मतलब हमें ज़्यादा हीट लेनी है या हमें कम हीट लेनी है वो मशीन में हम सेट कर सकते हैं। आप ये मशीन लेने जाएं तो ज़रूर इन सब चीज़ों का
ध्यान रखें कि आपने आपका जो फ़ोन है वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए, या आपने कोई मेटल इम्प्लांट नहीं पहना हो, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इसके बारे में ज़रूर बात करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जितना हो सके, ताकि इस मशीन के बारे में काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे।